सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैजिक मिरर की सॉफ्टवेयर की फोल्डर के बारे में, उसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आई बटन में यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो चलते हैं इसकी फोल्डर के ऊपर। सो फाइल मैनेजर आपको ओपन कर देना है। सो आप यहाँ देख सकते हो मैजिक मिरर की सॉफ्टवेयर की फोल्डर यहाँ पर मेंशन है। सो इसे ओपन कर लेना है। सो इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पर फोल्डर आपको शो हो रही होगी। जो हमारा मेन काम होने वाला है वो कॉन्फिग और मॉड्यूल्स फोल्डर में होने वाला है। सो यही दो हमारा जो मेन फोल्डर है जिस पे हमारा काम होगा और हम इसे एडिट करेंगे। सो चलते हैं हम मॉड्यूल्स फोल्डर के ऊपर। सो मॉड्यूल फोल्डर को ओपन करके सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फोल्डर में जाना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पर फोल्डर है। सो इस फोल्डर में देख लेते हैं, ये कैलेंडर, क्लॉक, कॉम्प्लीमेंट, करेंट वेदर, न्यूज़ फीड, अपडेट नोटिफिकेशन, वेदर और वेदर फॉरकास्ट। सो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी मैजिक मिरर को रन कर लेते हैं टर्मिनल ओपन करके। सो टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कमांड लिखना है cd मैजिक मिरर स्लैश, उसके बाद फिर npm स्टार्ट और इंटर प्रेस कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मैजिक मिरर का सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप लेफ्ट साइड में आपकी यहाँ पर टाइम डेट मॉड्यूल शो हो रही है। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर US हॉलीडेज़ की कुछ हॉलीडे लिस्ट है। फिर इसके नीचे हम थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लीमेंट्स की जो मॉड्यूल है वो शो हो रही है। फिर इसके नीचे हमारा यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स से न्यूज़ शो हो रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी है ये प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स है जो कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर में आपको मेंशन की गई है। सो अभी के लिए इसे बंद करते हैं। सो बंद करने के लिए आपको कंट्रोल क्यू प्रेस करना। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फोल्डर के ऊपर जो कि है कॉन्फिग फोल्डर। सो इसे ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो config.js, इस फाइल को ओपन कर लेना है। सो इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कोड आपको यहाँ पर शो हो रही है वो जावा लैंग्वेज पर बेस्ड है। सो इसे हम ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो है ये इस आईपी एड्रेस पर आपका मैजिक मिरर रन करता है। फिर इसके नीचे आप देख सकते हो आईपी वाइट लिस्ट यहाँ पर मेंशन की हुई है जो इसकी आईपी एड्रेस है। सो थोड़े नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका जो मॉड्यूल सेक्शन है, सबसे पहला मॉड्यूल आपका यहाँ पर अपडेट नोटिफिकेशन का है। सो इसकी पोजीशन यहाँ पर मेंशन की गई है टॉप बार में। सो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अपडेट नोटिफिकेशन के मॉड्यूल के बारे में। सो आपका अपडेट नोटिफिकेशन मॉड्यूल यही काम करता है, जब भी आपकी मैजिक मिरर की कोई भी अगर अपडेट आती है तो वो आपके टॉप बार में अपडेट शो करेगा आपका मैजिक मिरर का। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर जो कि है क्लॉक मॉड्यूल। सो इसकी पोजीशन मेंशन की गई है टॉप लेफ्ट में। सो आप देखते होंगे जब भी मैजिक मिरर हमारा रन होता है तो उसकी सॉफ्टवेयर में हमारा मॉड्यूल, हमारा क्लॉक मॉड्यूल टॉप लेफ्ट में शो करता है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है कैलेंडर मॉड्यूल। उसके नीचे में आपका यहाँ पर हेडर में मेंशन किया गया US हॉलीडे। आपकी जितनी भी हॉलीडेज शो हो रही थी वो US हॉलीडे से ही शो हो रही थी और वो इस URL से आपको फिच करके वहाँ पर शो हो रहा था। जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है अब कॉम्प्लीमेंट्स। सो आप कॉम्प्लीमेंट्स की पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो लोअर थर्ड में यहाँ पर मेंशन की गई है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है करेंट वेदर का। सो करेंट वेदर की यहाँ पर आप पोजीशन देख सकते हो टॉप राइट में। सो इसकी लोकेशन यहाँ पर लिखी हुई है न्यूयॉर्क। सो इसकी लोकेशन आईडी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है और यहाँ पर API की भी मेंशन नहीं है। सो इसकी वजह यह है कि आपको openweather.org इस वेबसाइट में जाकर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहाँ पर आपको अपना जो खुद का API की मिलेगा उसे आपको यहाँ पर लाकर पेस्ट करना होगा और आपकी जो स्पेसिफिक लोकेशन आईडी होगी उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। सो आने वाली वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। सो अब चलते हैं
नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो भी है वेदर फॉरकास्ट को ही लेकर। सो इसकी भी लोकेशन आईडी आप यहाँ पर देख सकते हो मेंशन की गई है, लेकिन ये न्यूयॉर्क की लोकेशन आईडी है, लेकिन एपीआई की यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो इस वजह से वो आपका मैजिक मिरर सॉफ्टवेयर में शो नहीं कर रहा था। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर जो कि है न्यूज़ फीड। सो न्यूज़ फीड की आप पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो बॉटम बार में मेंशन की गई है। सो आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। सो आपका इस यूआरएल से न्यूज़ फीड फीच करके आपको शो कर रहा है। सो आने वाली जितनी भी वीडियोस में हम अपनी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे उसे यहाँ पर config.js फोल्डर में मेंशन करना होगा इस कोड में, तभी वो वर्क करेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगा। सो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। सो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।